सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब शांति बनाए रखना, जो भी टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। शुरू में जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी बेसिक होंगी। ऑल द पॉइंट्स विल बी बेसिक। विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट। हम जो भी माइन्यूट पॉइंट्स हैं उसको भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको इस टॉपिक में और कहीं पे कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े। तो पूरा जो कोर्स है यहीं पे कंप्लीट करा दूंगा मैं आपको। ये कंप्लीट कोर्स आई डिस्कस ओनली। तो चैट डिसेबल का ऑप्शन होता फिर तो मैं करा ही देता। अगर चैट डिसेबल का ऑप्शन होता फिर तो मैं करा ही देता, ऑप्शन ही नहीं आता यहाँ पे। चलिए, सो विल स्टार्ट विद दी मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। सो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट पार्ट है हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का। इट्स ए पार्ट ऑफ योर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो जो हमारी आरसीसी है ये एक छोटा सा पार्ट निकल के आता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का। जो लोग अभी एमटेक कर रहे होंगे स्ट्रक्चर में उनको इसके बारे में जानकारी होगी। सो इट इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। अब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में भी अगर हम समझने की कोशिश करें, पूरी जो हमारी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, द एंटायर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू हैज टू डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स। पूरी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में दो अलग अलग कॉम्पोनेंट है। एक कॉम्पोनेंट में हम बात करते हैं डिजाइनिंग की, एक कॉम्पोनेंट में हम बात करते हैं एनालिसिस की। द वन कॉम्पोनेंट विल बी डीलिंग। मैं कमेंट देख नहीं रहा तो अपना टाइम वेस्ट मत करना कमेंट करके। मैं कमेंट देख नहीं रहा तो अपना टाइम वेस्ट मत करना कमेंट करके, सारा कंसंट्रेशन रखना टॉपिक के ऊपर। नोट्स आपको ग्रुप में से मिल जाएंगे। चलिए, तो अगर हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात करें ऑन बेसिक लेवल, इसके दो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। पहले पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग विल डील विद द एनालिसिस। हम स्ट्रक्चर की एनालिसिस करते हैं। सो डील विद द एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वी डील विद द डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के पहले पार्ट में हम बात करेंगे एनालिसिस की, दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे किसकी, डिजाइन की। ये जो एनालिसिस वाला पार्ट होता है ये आपके सब्जेक्ट्स में इंक्लूड किया गया, आपके सब्जेक्ट्स में इंक्लूड किया गया। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो लोग प्लस पे कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जैसे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी आपका चल रहा है, स्ट्रक्चर भी चल रहा है आपके प्लस पे। तो एनालिसिस का जो पार्ट होता है हमारे स्ट्रक्चर का, ये हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में करते हैं। पर जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है, द डिजाइनिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है, दिस वी डिस्कस इन आरसीसी। ये हम आरसीसी में डिस्कस करते हैं। दिस वी डिस्कस इन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। ये हम बात करते हैं प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के अंदर। इसकी हम बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर के अंदर। तो स्टील स्ट्रक्चर भी आप कर चुके होंगे प्लस पे, या सर ने आपको करा दिया होगा यूट्यूब या स्पेशल क्लास के अंदर। तो कहने का मतलब है, एनालिसिस का जो पार्ट आता है वो आएगा हमारा सॉम में या टॉस के अंदर। जो डिजाइन का पार्ट आएगा वो हमारा आरसीसी में आएगा, या प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में आएगा, या स्टील स्ट्रक्चर में आएगा। हमारा अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, ये आरसीसी है। तो हम सिर्फ डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातों को समझेंगे। हम सिर्फ डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातों को समझेंगे। जब भी हम एनालिसिस करते हैं स्ट्रक्चर की, एनालिसिस में किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, यानी कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं हमारी एनालिसिस के, तीन बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी एनालिसिस के। व्हेन एवर द एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर इज बीइंग डन, थ्री पॉइंट्स आर बीइंग फोकस्ड। तीन पॉइंट के ऊपर फोकस होता है। पहला पहला हमारा स्ट्रक्चर कंपेटेबल हो। सो आई विल से कंपेटेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो हम बोलेंगे हमारा स्ट्रक्चर क्या हो, कंपेटेबल हो। नेक्स्ट हम बोलेंगे हमारा स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में हो। सो विल टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रक्चर। तो करते हो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में और टॉस में, आप बोलते हो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द स्ट्रक्चर नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन वाई जेड डायरेक्शन जीरो। मोमेंट की वैल्यू क्या निकल के आनी चाहिए, जीरो निकल के आनी चाहिए। तो जब भी हम एनालिसिस की बात करेंगे हम बोलेंगे हमारा स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, हम बोलेंगे हमारा स्ट्रक्चर कंपैटिबल है या नहीं है, हम बात करेंगे कि हमारे स्ट्रक्चर के पास कितनी एनर्जी अवेलेबल है। सो वील टॉक अबाउट द एनर्जी ऑफ द स्ट्रक्चर। सो वील टॉक अबाउट द एनर्जी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये तीन चीजों के बारे में चर्चा होती है एनालिसिस पार्ट के अंदर, चाहे वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करें, चाहे वो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर करें। तो आपको एक फ्रेमवर्क बना के दे रहा हूं कि जब इस टॉपिक को पढ़ो आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं आगे। पर अगर मैं बात करूं डिजाइन की, इफ यू टॉक अबाउट द डिजाइन, किन किन चीजों के बारे में ध्यान रखा जाता है, चाहे आरसीसी हो, चाहे प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट हो, चाहे हमारा स्टील स्ट्रक्चर हो। तो इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट, कि जो नेट फोर्सेस हैं, जो नेट मोमेंट है हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर क्या निकल के आ जाए, जीरो निकल के आ जाए। एनर्जी हमारे स्ट्रक्चर की क्या निकल के आ जाए, मिनिमम निकल के आ जाए अंडर द एक्शन ऑफ द लोडिंग। कंपेटिबिलिटी हो अकॉर्डिंग टू इट्स ज्योमेट्री। तो जो भी उसकी ज्योमेट्री है उसके हिसाब से वो कंपेटेबल निकल के आए।
का मतलब है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लिया आपके दो दीवारों के बीच में आपका घर है, वो मैंने स्ट्रक्चर मान लिया, घर के अंदर रूम है उसको मैंने स्ट्रक्चर कंसिडर कर लिया। आपके दो दीवारों के बीच की दूरी है लेट अस सपोज 5 फिट, पर आपकी स्लैब है वो है 5.95 फिट की, तो वो कंपेटेबल नहीं है, इट इज नॉट कंपेटेबल, तो ये स्ट्रक्चर आपका कंपेटेबल नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं हमारा स्ट्रक्चर कंपेटेबल है या नहीं है, तो इसको कंपेटेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाता है। पर जब डिजाइनिंग की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट डिजाइनिंग, यहाँ पे किन किन चीजों के ऊपर ध्यान रखा जाता है, यहाँ पे बात रखी जाती है सेफ्टी की। तो डिजाइनिंग के अंदर आपका स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए, योर स्ट्रक्चर शुड बी सेफ अंडर द अप्लाइड लोड, जो भी आप लोड लगाओ सफिशियंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी अवेलेबल होनी चाहिए उस लोड के अगेंस्ट, योर स्ट्रक्चर शुड बी सर्विसेबल, योर स्ट्रक्चर शुड बी सर्विसेबल, आपका स्ट्रक्चर सर्विसेबल होना चाहिए। सर्विसेबल क्या होता है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, कहने का मतलब है जिस काम के लिए आपने स्ट्रक्चर बनाया वो काम हमारा स्ट्रक्चर करना चाहिए, जिस काम के लिए आपने स्ट्रक्चर को बनाया वो काम हमारा स्ट्रक्चर परफॉर्म करना चाहिए, इसको हम बोलते हैं सर्विसेबिलिटी। जैसे एग्जाम्पल सर्विस, तो आप सर्विस करते हो, इसका मतलब जिस काम के लिए आपको रखा हुआ है वो काम आप परफॉर्म कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज सर्विस। सेम कहानी किसकी, हमारे स्ट्रक्चर की है। देन इन डिजाइनिंग वी टॉक अबाउट ड्यूरेबिलिटी, हम बात करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर ड्यूरेबल है या नहीं है। तो वेन एवर द डिजाइनिंग विल बी डन, अभी करेंगे आगे इस पॉइंट को मैं रिपीट करूंगा बार बार कि देखो ये ड्यूरेबिलिटी की कंडीशन आ गई कि हमारा स्ट्रक्चर ड्यूरेबल है या नहीं है, वेदर द स्ट्रक्चर इज ड्यूरेबल और नॉट। हम बात करेंगे कॉस्ट की, विल टॉक अबाउट द कॉस्ट, कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें कॉस्ट क्या लगनी चाहिए, कम लगनी चाहिए, तो इकोनॉमिक होना चाहिए, तो आपकी डिजाइनिंग ऐसी हो इट शुड कम आउट टू बी इकोनॉमिकल। लास्ट, जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑन डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, आपका स्ट्रक्चर इतना तो हम एक्सपेक्ट करेंगे देखने में अच्छा हो, तो हम बोलेंगे, हम बात करेंगे एस्थेटिक की, विल टॉक अबाउट द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये पार्ट भी डिजाइनिंग के अंदर आता है, दिस ऑल्सो कम्स इन टू द डिजाइनिंग। तो जब हम डिजाइनिंग की बात करेंगे आरसीसी में भी, विल टॉक अबाउट द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर, We'll talk about the serviceability of the structure. We'll talk about the durability of the structure. We'll talk about the economy of the structure. And we'll talk about the aesthetic appearance of the structure. अगर मैं इन पांचों पॉइंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करूं, सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब क्या है? A structure must be safe with sufficient factor of safety for a given loading. जो भी लोड आप लगा रहे हो स्ट्रक्चर के ऊपर, उस लोड के अगेंस्ट हमारा स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए फॉर सफिशियंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एग्जाम्पल लिया मैंने, लेट सपोज हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर लोड लग रहा है 10 न्यूटन का, एग्जाम्पल लिया बस मैंने, हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर लोड लग रहा है 10 न्यूटन का। अब आप स्ट्रक्चर को डिजाइन करोगे लेट सपोज फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 2, इसका मतलब आप डिजाइन लोड लोगे सिर्फ 5 न्यूटन का, यू विल कंसिडर द डिजाइन लोड ओनली टू बी 5 न्यूटन। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसकी डिजाइनिंग सिर्फ 5 न्यूटन के लिए हो रखी है, यानी 5 न्यूटन का लोड लगेगा उसके ऊपर, इफ यू अप्लाई अ लोड ऑफ 5 न्यूटन ऑन इट्स इट विल कम आउट टू बी सेफ, पर इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी दुगनी है। कहने का मतलब है अगर आप इसके ऊपर 10 न्यूटन का लोड भी लगा दो तब भी आपका स्ट्रक्चर फेल नहीं करेगा, देन ऑल्सो योर स्ट्रक्चर विल नॉट बी फेलिंग। तो हमने बोलेंगे हमारे स्ट्रक्चर की फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी आ गई है, 2 आ गई है। तो स्ट्रक्चर मस्ट बी सेफ विद अ सफिशियंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट लोडिंग, क्लियर है? अब एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप बीम की बात करते हैं, बीम को हम सेफ बनाते हैं अंडर टेंशन, बीम को हम सेफ बनाते हैं अंडर टेंशन कैसे, उसमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करके। तो बीम को हम सेफ बनाते हैं इन टेंशन बाय प्रोवाइडिंग द रीइंफोर्समेंट, तो ये पार्ट है डिजाइनिंग का। तो आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ा दी अगेंस्ट फेलियर इन टेंशन, सो इट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर डिजाइनिंग, ये पार्ट बन गया आपके डिजाइनिंग का। सर्विसबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट सिग्निफाइज दैट द स्ट्रक्चर शुड प्रोवाइड द सर्विस फॉर विच इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। स्ट्रक्चर जिस काम के लिए आपने बनाया है वो काम स्ट्रक्चर करना चाहिए। जैसे एग्जांपल, आपने स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बनाया लेट्स सपोज पार्किंग के लिए, आपने एक पार्किंग लॉट बनाया, पार्किंग लॉट में क्या किया, 4 कॉलम खड़े कर दिए आपने, 4 बीम प्रोवाइड कर दिए और स्लैब रख दी उसके ऊपर। तो उसका काम क्या है, उसका काम है नीचे जो गाड़ी लगी हुई है उसको शेड प्रोवाइड करना, दिस इज द पर्पस ऑफ द पार्किंग, पार्किंग लॉट विच यू हैव डिजाइंड। तो इसका मतलब ये पार्किंग लॉट अपना काम करना चाहिए डिजाइन लाइफ तक, इसको हम बोलेंगे सर्विसबिलिटी, दैट विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज सर्विसबिलिटी। अगर वो नहीं कर पा रहा है आप उसको रीडिजाइन कर दोगे, यू विल रीडिजाइन। जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जब हमारे लोड का रिवर्सल होता है, लोड का रिवर्सल होता है मतलब कंप्रेसिव लोड टेंसाइल लोड में कन्वर्ट हो गया और टेंसाइल लोड कंप्रेसिव लोड में कन्वर्ट हो गया। अब आप पूछोगे ऐसा कब होगा, ऐसा होता है जब विंड ब्लो कर रही होती है, विंड लोडिंग, जब अर्थक्वेक आ रहा होता है,
तो अर्थक्वेक लोड और विंड लोड की जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं होती, वो वेरी कर रही होती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके स्ट्रक्चर के ऊपर लोड का रिवर्सल हो जाए, जहां पर कंप्रेसिव लोड लग रहा है वहां पर टेंसाइल आ जाए, जहां पर टेंसाइल लग रहा है वहां पर कंप्रेसिव आ जाए। इस केस में आपकी जो सिंगली रीइंफोर्स बीम है वो काम नहीं कर पाएगी, इट विल नॉट बी सर्विसेबल। तो हम क्या करेंगे डिजाइनिंग के अंदर, उसको सर्विसेबल बनाने के लिए हम डबली रीइंफोर्स कर देंगे। तो आपको एग्जांपल दिया कि सर्विसेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाती है डिजाइनिंग में। तो अगर आपको लोड रिवर्सल का ध्यान रखना है, हम सिंगली रीइंफोर्स बीम नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम क्या कर देंगे, हम डबली रीइंफोर्स बीम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये डिजाइनिंग का पार्ट होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ डिजाइनिंग। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वील से स्ट्रक्चर मस्ट बी ड्यूरेबल और इट शुड बी सस्टेनेबल। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ड्यूरेबल हो या सस्टेनेबल हो, फॉर विच इट इज बींग डिजाइंड, जिसके लिए आपने उसको डिजाइन किया है विद सर्विसबिलिटी लिमिट। कहने का मतलब है ड्यूरेबिलिटी विदाउट सेफ्टी एंड सर्विसबिलिटी हैज नो सेंस। वो ड्यूरेबल होना चाहिए, आपको आपकी लैंग्वेज समझाऊं टिकाऊ होना चाहिए, आपका जो स्ट्रक्चर है वो टिकाऊ होना चाहिए, इसको हम बोल देते हैं ड्यूरेबिलिटी। पर ये जो ड्यूरेबिलिटी है कब पिक्चर में आती है, ये ड्यूरेबिलिटी तब पिक्चर में आती है जब वो सेफ्टी और सर्विसबिलिटी को इंश्योर कर रहा हो। कहने का मतलब है आपने जो लोड लगाया उसके अंदर फेल नहीं कर रहा और अपना काम करे जा रहा है। जब वो अपना काम करे जा रहा है और फेल नहीं हो रहा, अब हम बोल रहे हैं कि हमारा ये स्ट्रक्चर टिकाऊ भी हो, यानी लंबे टाइम तक चले। So we'll say it is more durable. तो आप स्ट्रक्चर को ड्यूरेबल बनाओगे डिजाइनिंग के अंदर। कैसे ड्यूरेबल बनाओगे, आप कवर प्रोवाइड कर दोगे रीइंफोर्समेंट को, तो रीइंफोर्समेंट फेल नहीं करी है तो अपना काम करती जा रही है, वो सर्विसेबल भी है, पर आपने उसकी ड्यूरेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए तो उसमें करोजन नहीं हो जाए आपने कवर प्रोवाइड कर दिया। आपने मिनिमम सीमेंट लगाया कॉन्क्रीट बनाने के अंदर, यू प्रोवाइड मिनिमम सीमेंट, आपने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंग्रीडियंट को यूज किया कॉन्क्रीट बनाने के अंदर, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, ड्यूरेबिलिटी के अंदर आती है। ऑल दीज फैक्टर्स कम्स इनटू द पिक्चर व्हाइल एनालाइजिंग द ड्यूरेबिलिटी ऑफ अवर स्ट्रक्चर। तो ये भी डिजाइनिंग का पार्ट है। फिर कॉस्ट तो समझ में आती है, हम डिजाइनिंग इस तरीके से करेंगे कि कॉस्ट क्या निकल के आए, हम डिजाइनिंग इस तरीके से करेंगे कि कॉस्ट कम से कम निकल के आए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों यूज करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट इन आरसीसी, तो किसने पूछा है, सोहेल ने पूछा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट ओनली इन आरसीसी, इन जनरल, जनरल बात कर रहा हूं मैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन जनरल इसलिए यूज की जाती है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी विच आर इन्वॉल्व्ड व्हाइल डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर। अभी अनसर्टेनिटी आपके मटेरियल में हो सकती है, अनसर्टेनिटी आपके लोड कैलकुलेशन में हो सकती है, आपने जितना लोड कंसिडर किया वो गलत था, आपने सही लोड कंसिडर नहीं किया तो हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड कर दी। अनसर्टेनिटी वर्कमैनशिप में हो सकती है, वर्कमैनशिप मतलब जो लोग काम कर रहे हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे क्योंकि उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई जाती है बिकॉज ऑफ दी अनसर्टेनिटी यूज इन द डिजाइनिंग। अभी अनसर्टेनिटी हमारे मटेरियल में हो सकती है, हमारे डिजाइनिंग के अंदर हो सकती है, हमारे कंस्ट्रक्शन के अंदर हो सकती है, क्लियर चीज, तो इसलिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर देते हैं, हेंस वी गो फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। चलिए सेफ्टी और सर्विसबिलिटी में डिफरेंस, बेटा सेफ्टी का मतलब है हमारा स्ट्रक्चर फेल नहीं करे वो सेफ है, सर्विसबिलिटी का मतलब है उसने जिस काम के लिए बनवाया गया था उसको जिस काम के लिए बनवाया गया था वो काम नहीं कर रहा तो वो सर्विसेबल नहीं रहा, इस फेल नहीं हुआ है पर सर्विसेबल नहीं रहा, इट इज सेफ बट इट इज नॉट सर्विसेबल। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, आई विल टेक अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस, कि फेलियर नहीं हुआ पर वो सर्विस नहीं निकल के आ रही है, फेलियर नहीं हुआ पर सर्विसेबल नहीं है। टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल आपका ब्रिज, ये आपका ब्रिज है, दिस इज द ब्रिज, ये ब्रिज अभी फेल नहीं हुआ है और सर्विसेबल भी है तो अपना काम भी कर रहा है और लोड भी कैरी कर रहा है। लेट सपोज आपको ब्रिज के अंदर सैगिंग दिख जाए, लेट सपोज आपको ब्रिज के अंदर सैगिंग दिख जाए यानी डिफ्लेक्शन दिख जाए इसके अंदर, यू आर ऑब्जर्विंग द डिफ्लेक्शन इन द ब्रिज, आपको इसके ऊपर क्रैक दिख जाए, यू आर एबल टू सी द क्रैक ऑन दिस ब्रिज, जरा बताओ इस ब्रिज के ऊपर अपनी गाड़ी लेके जाओगे। जिसने भी ये सवाल पूछा, किसने सवाल पूछा, एग्जाम्पल दे तो रहा हूं बेटा राजीव रंजन, ब्रिज फेल नहीं हुआ इसमें डिफ्लेक्शन आ गई है तो आपको सैगिंग दिख रही है स्लैब की, आपको इसके ऊपर क्रैक दिख रहे रोड के ऊपर, आप अपनी गाड़ी लेके जाओगे इसके ऊपर, क्यों, क्योंकि आपको यह लगेगा कि यह फेल कर सकता है, कभी भी फेल नहीं हुआ पर यह अपना काम नहीं कर रहा है अब, सो इट इज नॉट सर्विसेबल, सो इट इज सेफ बट नॉट सर्विसेबल। तो आपको स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है जो क्या हो, सर्विसेबल भी हो बट सर्विसेबल ऑल्सो, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, लास्ट क्या था हमारा, जब हमने इतनी कॉस्ट इन्वॉल्व कर दी, व्हेन सच अ हाई कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, अवर स्ट्रक्चर शुड बी
आवर स्ट्रक्चर शुड बी प्लेजेंट टू आवर आईज, हमारी आंखों को दिखने में अच्छा लगना चाहिए, तो उसकी एस्थेटिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, इस एस्थेटिक वैल्यू शुड बी कंपैरेटिवली मोर। अब एस्थेटिक वैल्यू कैसे एनहेंस करते हैं, कॉलम में रेक्टेंगुलर फेस नहीं प्रोवाइड करके कैसा प्रोवाइड कर दिया, कॉलम में रेक्टेंगुलर फेस नहीं प्रोवाइड करके सर्कुलर फेस प्रोवाइड कर दिया, तो हमने क्या बोला, एस्थेटिक इंपॉर्टेंस बढ़ा दी इसकी, वी हैव इंक्रीज द एस्थेटिक इंपॉर्टेंस। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इस पर कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है आरसीसी को समझने के लिए। तो आरसीसी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिजाइनिंग का पार्ट है, और जब हम आरसीसी स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग करेंगे, हम सेफ्टी, सर्विसबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट और एस्थेटिक, इन सब की बात करेंगे, विल टॉक अबाउट ऑल। चले चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। यानी पीसीसी। कहने का मतलब है आरसीसी पिक्चर में आया कैसे, वो डायरेक्टली पिक्चर में नहीं आया था, पहले कौन आया था, पहले प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट पिक्चर में आई थी। और प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट क्या होती है, ये मैंने आपको डिटेल में बीएमसी के अंदर बता रखी है, ये मैंने आपको डिटेल में बिल्डिंग मटेरियल में बता रखा है। कैसे, क्या होता है हमारा प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, इट इज अ पेस्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ द वाटर। ये वो पेस्ट है जो तब बनती है जब हम पानी को मिला दें एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन के अंदर, इन द मिक्सचर ऑफ व्हाट, इन द मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटीरियल। सो इन द मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटीरियल, बाइंडिंग मटीरियल क्या क्या हो सकता है, बाइंडिंग मटीरियल हो सकती है सीमेंट, बाइंडिंग मटीरियल हो सकती है लाइम, बाइंडिंग मटीरियल हो सकती है जिप्सम। तो ये वो पेस्ट है जो तब बनती है जब पानी को मिलाया जाए, इन द मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटीरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड एडमिक्सचर इफ रिक्वायर्ड। इस पेस्ट को क्या बोला जाता है, इस पेस्ट को बोला जाता है कॉन्क्रीट। दिस पेस्ट इज टेक्निकली टर्म्ड एज कॉन्क्रीट। फाइन एग्रीगेट क्या हो सकते हैं, अवर फाइन एग्रीगेट कैन बी सैंड, अवर फाइन एग्रीगेट कैन बी सुर्खी, हमारा फाइन एग्रीगेट सुर्खी हो सकता है। कोर्स एग्रीगेट क्या हो सकती है, कोर्स एग्रीगेट कैन बी ग्रेवल, कोर्स एग्रीगेट कैन बी ब्रिक बेलास्ट, कोर्स एग्रीगेट हमारा ब्रिक बेलास्ट भी हो सकता है। तो कोर्स एग्रीगेट कैन बी ब्रिक बेलास्ट, सो ब्रिक बेलास्ट। क्लियर पूरी कहानी, सिंगली रीइंफोर्स बीम करनी चाहिए, डबली रीइंफोर्स बीम करनी चाहिए फॉर सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर। भाई ना मैंने अभी सिंगली रीइंफोर्स बीम बताई, ना मैंने अभी डबली रीइंफोर्स बीम बताई, और आपको ये भी बता दूं कौन सी बीम करनी चाहिए, ना सिंगली के बारे में कुछ जानकारी है, ना डबली के बारे में कुछ जानकारी है, पर ये पूछना है कौन सी बीम यूज करनी चाहिए। गजब गजब डाउट है, मतलब अभी बस लिखा है प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, अभी तो आरसीसी भी स्टार्ट नहीं हुआ, पहला पन्ना आया है सिंगली रीइंफोर्स बीम और डबली रीइंफोर्स बीम चाहिए। तो सिंगली रीइंफोर्स और डबली रीइंफोर्स के बीच का डिफरेंस चाहिए। चलो भैया कोई बात नहीं, चलिए तो हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट की। प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट एक पेस्ट होती है, इट इज अ पेस्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सचर ऑफ वाटर इन स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन इन द मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटीरियल विच में बी सीमेंट, लाइम और जिप्सम, फाइन एग्रीगेट विच में बी सैंड और सुर्खी, कोर्स एग्रीगेट विच में बी ग्रेवल और ब्रिक बेलास्ट। ब्रिक बेलास्ट का मतलब क्या होता है, ब्रिक ब्लास्ट का मतलब होता है ब्रोकन ब्रिक्स। इसके अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारे मटेरियल हैं, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं। जैसे एग्जांपल आप फ्लाई ऐश यूज कर सकते हो, यानी पोजोलोनिक मटेरियल यूज कर सकते हो, यू कैन गो फॉर द पोजोलोनिक मटेरियल। तो आप सैंड को रिप्लेस कर सकते हो फ्लाई ऐश से, आप सीमेंट को रिप्लेस कर सकते हो फ्लाई ऐश से। ये पार्ट हमारे आरसीसी का नहीं है, ये हमने कर रखा है किसमें, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर। एडमिक्सचर आपको कम से कम 20 तरीके के बता रखे हैं, प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, एक्सेलरेटर, रिटार्डर, एयर इंटरिंग एडमिक्सचर। तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम कोई सा भी एडमिक्सचर मिला सकते हैं कॉन्क्रीट को बनाने के लिए। तो ये तो हुई हमारे कॉन्क्रीट की बात। अभी जो कॉन्क्रीट है हमारा, दिस कॉन्क्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। जो कॉन्क्रीट है ये स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होता है बट वीक इन टेंशन, ये वीक होता है टेंशन के अंदर। तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है कैसे, बाय रीइंफोर्सिंग इट। तो अवर कॉन्क्रीट इज वीक इन टेंशन, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है कैसे, बाय रीइंफोर्सिंग इट विद द फाइबर्स। इस तरह के कॉन्क्रीट को हम बोल देते हैं रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट।
तो वहां से ये चीज डेवलप हुई। पहले हम यूज करते थे पीसीसी, पर पीसीसी का ड्रॉबैक था कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम थी। इसको एनहेंस करने के लिए हमने क्या कर दी, इसकी रीइंफोर्समेंट कर दी। अब रीइंफोर्समेंट किससे करते हो, फाइबर से कर सकते हो। फाइबर का मटेरियल कुछ भी हो सकता है, फाइबर का मटेरियल जैसे स्टील जो हम यूज करते हैं, फाइबर का मटेरियल जैसे प्लास्टिक पीवीसी यूज कर सकते हो, फाइबर का मटेरियल जैसे जियो टेक्सटाइल आप जियो टेक्सटाइल यूज कर सकते हो, फाइबर का मटेरियल आप बेम्बू यूज कर सकते हो, बेम्बू स्टिक कैन ऑल्सो भी यूज। तो रीइंफोर्समेंट किसी भी मटेरियल से की जा सकती है, जरूरी नहीं है वो स्टील हो। हाँ, हम स्टील को प्रेफर क्यों करते हैं, इसका रीजन अभी आगे बताऊंगा। व्हाई डू वी प्रेफर स्टील, दैट रीजन आई डिस्कस इन डिटेल। अभी के लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो वील से तो पहला पॉइंट तो ये था। अगला पॉइंट हम क्या बोलेंगे, अगला पॉइंट हम बोलेंगे कॉन्क्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। सो कॉन्क्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन, बट वीक इन टेंशन। तो हमने क्या किया, हमने इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। सो हेंस इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, सो हेंस इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड बाय रीइंफोर्सिंग इट, बाय रीइंफोर्सिंग इट विद फाइबर्स, फाइबर्स लाइक लाइक एग्जाम्पल लिख दो खूब सारे, अभी सारे इतने सारे एग्जाम्पल बताया आपको, लाइक स्टील, लाइक बैम्बू, लाइक जियो टेक्सटाइल, लाइक पीवीसी एक्सेट्रा। एंड कॉन्क्रीट इज टर्म्ड एज वॉट, एंड कॉन्क्रीट इज टर्म्ड एज रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट को हम क्या बोल देते हैं, रीइंफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट बोल देते हैं। रीइंफोर्समेंट मतलब इनहेंसली स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही बात है। रीइंफोर्समेंट मतलब क्या होता है, बढ़ाना। जैसे एग्जांपल देता हूँ रीइंफोर्समेंट का, हम चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान के बॉर्डर पे अपनी जो कैपेसिटी है उसको रीइंफोर्स करते रहते हैं, यानी हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी रीइंफोर्समेंट करते रहते। तो हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट भेजो। अब रीइंफोर्समेंट भेजने का मतलब क्या है, और लोगों को भेजो ताकि हमारी स्ट्रेंथ क्या कर जाए, बढ़ जाए। तो रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है स्ट्रेंथ को बढ़ाना। क्लियर है चीज, अभी करना है इसमें कुछ भी। अब प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट कहाँ यूज करते हैं, इट इज जनरली यूज इन द केस ऑफ मास कॉन्क्रीटिंग। तो मास कॉन्क्रीटिंग जैसे एग्जाम्पल डैम, तो डैम में यूज कर दिया जाता है। जियो टेक्सटाइल क्या होता है, जियो टेक्सटाइल इज द आर्टिफिशियल सॉइल विच इज बींग यूज। जियो टेक्सटाइल आर्टिफिशियल मटीरियल होता है जिसको हम किसमें यूज कर सकते हैं, जिसको हम कंक्रीट के अंदर रीइन्फोर्समेंट के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है, रोड में भी यूज किया जाता है, यहां पर भी यूज किया जाता है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ जियो टेक्सटाइल्स, बहुत तरह के जियो टेक्सटाइल्स होते हैं। ये पार्ट आपका आएगा सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, जो 21 तारीख को भी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है, फिर करना है इसमें कुछ भी। हाँ, जियो नहीं है, जियो है। हाँ, जे नहीं है, जी है, बिल्कुल सही बात है। तो जे नहीं है, जियो है। Is there any development of concrete happened which is strong in tension without having reinforcement in concrete? बेटा वो बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट है, स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्क्रीट बता रखे हैं आपको। अभी तो मैं डिजाइनिंग की बात करूंगा, इसलिए शुरू में क्या बोला था भैया, यहाँ डिजाइनिंग की बात होगी, आप मटेरियल की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट द मटेरियल। तो मटेरियल तो बता रखा है आपको, देखो जाके बीएमसी बिल्डिंग मटीरियल। पीवीएस नहीं है बेटा, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट है पीछे, पीवीएस नहीं है, इट इज प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। तो आपको एक आइडिया दे दिया कि रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट कैसे पिक्चर में आया, हाउ रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट कम्स इनटू द पिक्चर। इट कम्स इनटू द पिक्चर रीजन बीइंग पीसीसी वाज वीक इन टेंशन, क्योंकि ये वीक था किसके अंदर, टेंशन के अंदर। क्लियर है पूरी कहानी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे मेन कॉन्क्रीट की। तो ये वन लिखा था, अब इसको कर देते हैं टू। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट रीइंफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। तो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी। अब क्या है ये रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, द कंक्रीट व्हिच इज बीइंग रीइंफोर्स्ड एम्बेडेड इन इट विल बी टर्म्ड एज रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सो वी विल से पहला पॉइंट, इट इज अ कंक्रीट, इट इज अ कंक्रीट विद रीइंफोर्समेंट एम्बेडेड इन इट, इट इज अ कंक्रीट विद रीइंफोर्समेंट एम्बेडेड इन इट।
रीइंफोर्समेंट एम्बेड की हुई, यानी इसमें रीइंफोर्समेंट को हमने इंसर्ट किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो एम्बेडेड रीइंफोर्समेंट है वो इसको स्ट्रॉन्ग करती है किसमें, टेंशन के अंदर। क्लियर चीज, विल से दिस एम्बेडेड रीइंफोर्समेंट, दिस एम्बेडेड रीइंफोर्समेंट मेक्स कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, मेक्स कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, ये कॉन्क्रीट को स्ट्रॉन्ग बनाती है टेंशन के अंदर। मतलब मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, पढ़ने आए हो क्या करने आए हो भैया, एक कौन सा पन्ना है मेरा, पेज नंबर लिखा हुआ आता है क्या इसके अंदर, एक दो, गिनती के दो पन्ने लिखे हैं, मतलब एक टॉपिक स्टार्ट किया है, गिनती के दो पन्ने लिखे हैं, अगर मैं कमेंट पढ़ूंगा कम से कम 1000 कमेंट आ चुके होंगे, गिनती के दो पन्ने पूरे हुए हैं, तीसरा पन्ना स्टार्ट किया है और 1000-2000 कमेंट आ चुके होंगे, मतलब इसमें डाउट भी आ गया इसके अंदर, अभी तो टॉपिक बस स्टार्ट हुआ है, मतलब पढ़ने वाला कोई भी नहीं है, पढ़ने वाला चुपचाप शांति से पढ़ता रहता है। सो विल से रीइंफोर्समेंट कॉन्क्रीट इज अ कॉन्क्रीट विच इज एम्बेडेड विद द रीइंफोर्समेंट इन इट, क्या करेगा ये उसको स्ट्रॉन्ग बना देगा टेंशन के अंदर। हम रीइंफोर्समेंट किसकी करते हैं, स्टील की करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, तो स्टील बार्स आर जनरली यूज्ड, सो विल से स्टील बार्स आर जनरली यूज्ड, स्टील बार्स आर जनरली यूज्ड एज रीइंफोर्समेंट, इसको हम जनरली यूज करते हैं एज रीइंफोर्समेंट। अब क्यों जनरली यूज करते हैं रीइंफोर्समेंट, व्हाई इज जनरली बीइंग यूज्ड एज रीइंफोर्समेंट, इसके बहुत सारे रीजन है, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस फॉर दिस, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस फॉर दिस, स्टील इज यूज्ड एज अ रीइंफोर्समेंट। क्या, जो स्टील है और कॉन्क्रीट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी, हमेशा स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी बनी रहती है। क्लियर पूरी कहानी, चले आगे। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, स्टील बार्स को हम इसलिए यूज करते हैं एज अ रीइंफोर्समेंट क्योंकि इसमें स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी वैलिड होती है। अब क्या होती है स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी, स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी का मतलब है कि जितनी डिफॉर्मेशन हमारे कॉन्क्रीट के अंदर होगी अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड, उतनी ही डिफॉर्मेशन आपको किसमें मिलेगी, स्टील के अंदर मिलेगी। इट मीन्स स्ट्रेन, स्ट्रेन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इन स्टील एंड कॉन्क्रीट विल बी सेम, दोनों के अंदर आपको स्ट्रेन सेम मिलेगा। जरूरी नहीं है वो थर्मल एक्सपेंशन से हो, तो आपने बोला थर्मल एक्सपेंशन नियरली इक्वल, हाँ बिल्कुल, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अप्रोक्सीमेटली क्या निकल के आता है, अप्रोक्सीमेटली बहुत कम निकल के आता है या दोनों की वैल्यू बराबर निकल के आती है। इसलिए जब टेम्परेचर चेंज होता है तो जो डिफॉर्मेशन होती है स्टील और कॉन्क्रीट में वो सेम निकल के आती है। एम्बेडमेंट मीन्स प्लेसिंग इनसाइड, हाँ बिल्कुल सही बात है राजा बाबू, एम्बेडमेंट का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट को अंदर इंसर्ट करना या प्लेस करना, तो दिस इज नोन एज एम्बेडमेंट। तो स्टील बार को क्यों यूज किया जाता है सर रीइंफोर्समेंट, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी की इक्वेशन को या रिलेशनशिप को वैलिड करा देता है। स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी वैलिड करा देता है मतलब जब भी कोई आप लोड अप्लाई करोगे या टेम्परेचर चेंज होगा, दोनों के अंदर जो डिफॉर्मेशन होगी किसी भी गिवन पॉइंट पे क्या निकल के आएगी, सेम निकल के आएगी। We'll say that is why. So steel bars are generally used as reinforcement as it satisfies क्या satisfy कर देता है, strain compatibility with concrete. Strain compatibility का मतलब क्या होता है, at any point strain in concrete and steel, strain in concrete and steel is same, and steel is same. आपको किसी भी गिवन पॉइंट पे स्ट्रेन की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। क्लियर है पूरी कहानी, अरे भैया सेम किसने बोली, अप्रोक्सीमेटली सेम बोली हुई है ये देखो, हाउ कैन दी थर्मल एक्सपेंशन बी सेम फॉर कॉन्क्रीट एंड स्टील इफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कॉन्क्रीट इज बेस्ड अपॉन दी एग्रीगेट कोफिशिएंट, तो सेम नहीं है, एग्जैक्टली सेम कभी कोई चीज नहीं निकल के आती, दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम है, इसलिए ध्यान से सुनो। तो जो कॉन्क्रीट है और जो स्टील है इसका एल्फा अप्रोक्सीमेटली सेम निकल के आता है, क्लियर, तो इसलिए हम इसको यूज कर लेते हैं, कहने का मतलब क्रैक डेवलप नहीं होंगे, नो क्रैक विल बी डेवलप्ड। अच्छा दूसरा फायदा क्या है स्टील का,
ये जो स्टील है इट ऑल्सो इम्पार्ट्स डक्टिलिटी टू द कॉन्क्रीट, ये डक्टिलिटी भी इम्पार्ट कर देता है कॉन्क्रीट के अंदर, विच इज रिक्वायर्ड इन अवर कॉन्क्रीट, जिसकी रिक्वायरमेंट है। क्यों? अगर डक्टिलिटी नहीं हुई कॉन्क्रीट के अंदर, इफ डक्टिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन द कॉन्क्रीट, द फेलियर ऑफ द कॉन्क्रीट मेंबर्स विल कम आउट टू बी सडन, फेलियर इंस्टेंट निकल के आएगा। तो जैसे ही डक्टिलिटी इम्पार्ट हुई, प्रायर टू द फेलियर सफिशियंट वार्निंग विल बी अवेलेबल, आपको सफिशियंट वार्निंग मिल जाएगी वहां पे। तो ये दूसरा रीजन निकल के आता है। तो दूसरा रीजन विल से स्टील ऑल्सो इंपार्ट्स सफिशियंट डक्टिलिटी टू द कॉन्क्रीट, हेंस इट नाउ गिव्स प्रायर वार्निंग इन फेलियर। ये फेल होने से पहले हमें क्या बता देता है कि स्ट्रक्चर फेल होने वाला है। क्लियर? चलिए, तो ये तो आपको बेसिक जानकारी दे दी है, दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। अच्छा, यहाँ पे एक और बात समझने वाली है, ये जो हमारा कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर है, इसमें जो टेंशन है वो कैसे डेवलप हो गई, अब टेंशन डेवलप होने के बहुत सारे रीजन है। देर आर सेवरल रीजन विच विल डिस्कस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ विच टेंशन विल डेवलप। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप टेंशन की बात करोगे, वन ऑफ द रीजन इज बेंडिंग मतलब फ्लेक्सुरल टेंशन, वन ऑफ द रीजन इज डायगनल टेंशन यानी शेयर, वन ऑफ द रीजन इज ओनली शेयर, वन ऑफ द रीजन इज टेम्परेचर डिफरेंस, आपको टेम्परेचर डिफरेंस मिल जाए पूरे कॉन्क्रीट के सेक्शन के अलॉन्ग, वन ऑफ द रीजन इज श्रिंकेज, श्रिंकेज आ गई है, वन ऑफ द रीजन इज रिस्ट्रेनमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन, आपने डिफॉर्मेशन को रोक रखा है, डिफॉर्म नहीं होने दे रहे आप कॉन्क्रीट के स्ट्रक्चर को, तो फिर से क्या डेवलप हो जाएगी, टेंशन डेवलप हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, टेंशन डेवलप होने के हमारे कॉन्क्रीट के स्ट्रक्चर के अंदर खूब सारे रीजन है, फ्लेक्चर है, डायगनल टेंशन है, शेयर है, लोड का रिवर्सल है, बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर डिफरेंस है, श्रिंकेज है, एंड रिस्ट्रेनमेंट टू द डिफॉर्मेशन है। इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इट कैन बी आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव। सो वी कैन से टेंशन इन कॉन्क्रीट कैन बी डेवलप्ड ड्यू टू एनी ऑफ फॉलोइंग रीजंस। अब खूब सारे रीजन है हमारे पास टेंशन के डेवलप होने के, और इन सारे रीजंस की हम बात करेंगे। जैसे फ्लेक्सुरल टेंशन, फ्लेक्सुरल मतलब बेंडिंग, तो बेंडिंग की वजह से टेंशन डेवलप हो जाएगी हमारे कॉन्क्रीट के अंदर। देन डायगनल टेंशन, ये डेवलप होती है शेयर की वजह से, तो डायगनल टेंशन। देन टेम्परेचर डिफरेंस है पूरे सेक्शन के लॉन्ग। देन श्रिंकेज इफेक्ट, कॉन्क्रीट में श्रिंकेज आ गई, तो श्रिंकेज इफेक्ट। देन रिस्ट्रेनमेंट टू द डिफॉर्मेशन, आपने डिफॉर्मेशन को रोक रखा है, तो रिस्ट्रेन टू द डिफॉर्मेशन, सो रिस्ट्रेनमेंट टू द डिफॉर्मेशन। तो ये कुछ रीजंस बता दिए आपको, तो रिस्ट्रेनमेंट टू द डिफॉर्मेशन, तो फ्यू रीजंस हैव बीन डिस्कस्ड। बोथ हैव डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, देन वाई स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी इक्वेशन वैलिड, सर प्लीज क्लियर इट, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज लेस देन, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट का स्ट्रेन से क्या लेना देना हुआ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट का स्ट्रेन से क्या लेना देना हुआ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट का और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील का स्ट्रेन से क्या लेना देना हुआ, क्योंकि स्टील और कॉन्क्रीट के अंदर परफेक्ट बॉन्ड निकल के आता है, इसीलिए जितनी डिफॉर्मेशन हमारे स्टील के अंदर होती है उतनी ही डिफॉर्मेशन हमारे कॉन्क्रीट के अंदर होती है। सिंस देयर इज अ परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कॉन्क्रीट, द एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन इन बोथ कम्स आउट टू बी सेम। तो भैया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में स्ट्रेस भी तो है, स्ट्रेस को कौन ध्यान में लेके आएगा कि सर दोनों की ई तो सर अलग अलग होती है, तो स्ट्रेन कैसे सेम हो गई, क्या स्ट्रेस नहीं है क्या यहां पे?
तो इसीलिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितनी चीज बताई जा रही है उतनी चीज सुनो बस। ये देखो दूसरा है, एक्सप्लेन डायगनल टेंशन। भाई टॉपिक स्टार्ट तो होने दो, डायगनल टेंशन तभी आएगा। तो डायगनल टेंशन सर, एक्सप्लेन डायगनल टेंशन, मतलब इतने से टाइम में ही, मतलब कितना टाइम हुआ है, 45 मिनट, 45 मिनट से समझ में आ गया, पढ़ने के बिल्कुल भी लक्षण नहीं है, मतलब 1% भी लक्षण नहीं है पढ़ने के, कि भैया पढ़ लेते हैं कुछ। अभी बस लिखा है डायगनल टेंशन, मतलब डायगनल टेंशन बताने में कम से कम, डायगनल टेंशन का पूरा एनालिसिस करने में कम से कम 10 घंटे लग जाते हैं। इसको मैं 10 सेकंड के अंदर डायगनल टेंशन बता दूं कि सर डायगनल टेंशन क्या होता है। एक वो दूसरा परेशान हो रहा है कि सर प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट में रीइन्फोर्समेंट होती है क्या? यार रीइन्फोर्समेंट की मैंने बात ही नहीं करी अभी तक, मैंने मिनिमम सील की बात ही नहीं करी अभी तक कि मिनिमम सील कितना होता है। चलो कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेड है वो तो। सो बेसिक इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, बेसिक इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू रिगार्डिंग पीसीसी, रिगार्डिंग आरसीसी। बेसिक जानकारी दी है आपको पीसीसी के बारे में और आरसीसी के बारे में। कल से हम प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देंगे, फ्रॉम टुमारो। अब वो तो पता ही है, डिस्टर्ब मुझे क्या डिस्टर्ब करने आ रहे हैं। आज बेसिक जानकारी दी, कल से हम प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देंगे आरसीसी की। फ्रॉम टुमारो वील स्टार्ट दी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ दी आरसीसी। चलिए, कैन दी कमेंट बी डिसेबल्ड फॉर एन ओपन फॉर? बेटा वो कमेंट अनेबल डिसेबल करना मेरे कंट्रोल में नहीं होता, इट इज नॉट इन माई कंट्रोल। या नहीं होता ना ये ऑप्शन, वो जिनका चैनल है वही कंट्रोल कर सकते हैं इसे। चलिए, वो कमेंट पे नजर चली जाती है इसलिए पढ़ना पड़ जाता है। 9 PM ना, ये देखो दूसरा आया शुभम, 9 PM ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन, सफिशिएंट है आज के लिए, बाकी कल करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो।